जी का मन, मैंने उनका इतना बड़ा ब्रॉड माइंड तो था ही और फार साइटेड एंड ही वॉज इंटरेस्टेड इन यू नो ऑल द आर्ट फॉर्म्स और हर एक क्षेत्र में उन्होंने आगे बढ़ करके सब काम किया. धर्म के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, कॉन्ट्रीब्यूशन किया. फिर हम लोग के डांस के लिए उन्होंने पूरा उनको सुविधा दी, अपॉर्चुनिटी सपोर्ट दिया और सब रीत से हमको सुविधा शुरू से इतने सालों तक. और उनको बहुत ही बड़ा मन वो रीत से कि नहीं तर हमारे गुजराती फैमिली में इतना नृत्य संगीत का कैरियर के हिसाब से लेना इतना नहीं था उस समय 40s में. तो फिर भी उनका एक आगे बढ़ के उनका जो विचार थे कि लड़कियां हो कुछ भी हो कैरियर करना चाहिए और नृत्य संगीत में क्लासिकल नृत्य संगीत में उनको बहुत ही इंटरेस्ट था. और हम लोग को सब रीत से आज स्कूल में भी अथवा कोई भी बड़े बड़े कलाकार आते थे तो घर में बुलाते थे. डांसर्स हो, म्यूजिशंस हो, लेखक या तो चित्रकार, सब हमारे घर में आते थे. और जो भी बाहर से फॉरेन से आए या इंडिया में भी बॉम्बे के बाहर से कोई भी आए तो घर में बुलाते थे. आपका तब घर वही मेरिन ड्राइव में? मेरिन ड्राइव अभी भी वही है. 44 से वही घर है. 1944 से. तो सब लोग आ गए. आज देखिए पंडित ओमकार नाथ जी, हाँ, कमला देवी चट्टोपाध्याय, कमला देवी, वेंकटाचलम, बड़े बड़े उस समय के दिग्गज, हाँ सब. और गुजराती लिटरेचर में भी बड़े उमाशंकर जोशी हैं या लेखक है, सब कवि है, वो है. पेंटर्स में हैब्बर है, आलमेलकर है, चावड़ा हैब्बर भी है, हैब्बर और शावक चावड़ा, ये भी बहुत अच्छे स्केचेस करते थे, डांस स्केचेस. वो है आलमेलकर, वो भी बहुत नामी उस समय के, तो बहुत बड़े बड़े आरा, वो सब घर में आते थे. तो पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं. पिताजी नहीं बुलाते थे, बहुत ही इंटरेस्ट था ये सब में. और उसके साथ उनका धर्म में भी उतना ही आगे काम किया. उनका तो इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कि आज जो लोग का जो गुरु है, धर्म गुरु जैन के, उनका जो सेंटर है वहाँ गुजरात में सोनगढ़ में, तो वहाँ पापा जी ने 60s में उनकी वाणी, उनका जो लेक्चर्स है उसका रिकॉर्डिंग उन्होंने शुरू किया. आज तक ग्रैंडफादर को नहीं मिला. तो ओरिजिनल तो आप तो गुजरात का ना, गुजरात का. कभी आपका नेटिव प्लेस में गया था कभी? हाँ, सूरत में जाते हैं मगर ऐसे नहीं है, उनको प्रोग्राम के लिए जाते थे, प्रोग्राम के लिए. मगर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत था पापा जी का, पापा धर्म में भी, धर्म में. हाँ, तो उन्होंने हमारे गुरुदेव गांधी स्वामी, उनके लेक्चर्स वो जमाने में सब रिकॉर्डिंग किया. हजारों लेक्चर्स रिकॉर्डिंग उनकी वजह से हुआ. तो आज सब जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके, तो इतना पापा जी का ऋण मानते हैं, ऑब्लिगेशन, कि आज उन्होंने ये शुरू किया तभी आज सबको उनकी ये मिल रहे हैं. हाँ, फॉल मिल रहे हैं, फॉल वाणी सुनने मिलती है. हाँ, तो उनका वीडियोस और खास तो रिकॉर्डिंग, उनके प्रवचन बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन. तो सब लोग आज बहुत सुनते हैं. और नृत्य में हम लोग के लिए उनको गुरु जी के लिए बहुत था उनको प्रेम, गुरु जी के ना गुरु जी में बहुत ही श्रद्धा, विश्वास उनकी टैलेंट में. तो और हमारे बने भी नैना मेन के हस्बैंड सुशील भाई, तो वो भी बहुत इंटरेस्ट रहते थे, वो भी गाइडेंस देते थे,
सपोर्ट करते थे, तो पापा जी को भी सब रिसर्च लाखों रुपया हम लोग के पीछे खर्चा क्यों किया, क्योंकि विश्वास था गुरु जी और सुशील भाई का गाइडेंस में काम होगा, रिसर्च ये वो कितना लाखों रुपया खर्च किया वो श्रद्धा से हाँ तकलीफ से भी, मैंने इतना कि हम लोग पैसा वाले नहीं मगर जो भी था दिल से किया, हाँ मैंने ये अच्छा काम के लिए करना है करके, तो हमारे भी नसीब है कि हमारे पेरेंट्स ऐसे गुरु जी तो मिले ही, पेरेंट्स भी ऐसे हाँ। मम्मी के बारे में थोड़ा बोलिए, मम्मी भी बहुत मैंने अब देखिए दिन रात गुरु जी और हमारे 4-5 आर्टिस्ट सारा दिन घर में, मणिपुरी लड़की भी रात दिन रहती है घर में, मगर सबको आना जाना सबके लिए एकदम प्रेम से खिलाती पिलाती सब अपना उसको मैंने। तो मम्मी का आर्ट कल्चर में भी कुछ है क्या? वो सब ऐसा तो वो आई है वहाँ राजस्थान से, हाँ राजस्थान की है मम्मी, अच्छा इधर तो सालों से साथ में रहकर म्यूजिक भी घर में सीखती थी, सिखाते थे पापा जी मैंने टीचर रख करके, अच्छा हाँ हारमोनियम है वायलिन है ऐसा सब उसको भी जब मैंने इंटरेस्ट सब धर्म में भी इंटरेस्ट और दिल से बहुत ही सबके लिए प्रेमान होते हैं ना सबके लिए करने करती थी करते। आज गुरु जी वो लोग तो कितना सारा दिन 6-7 बजे से आकर रहते हैं, शाम को 6 बजे जाते हैं तो सारा दिन वो लोग को खाना पीना रखना सबके साथ व्यवहार और सब के लिए प्रेम से कितने सालों से सब आर्टिस्ट लोग को हम रखते थे तो कभी बहुत बड़ा बात है बहुत बड़ा बात, क्योंकि खुद को भी तो करना पड़ता है ऐसे नौकर चाकर है ऐसा वो बात नहीं, फिर भी मम्मी का दिल होने से तो स्वभाव अच्छा होने से तो सबके साथ मिलजुल हो सकता है। और अच्छा ये आपका मैगजीन में कभी महात्मा गांधी का एक बात बारे में एक लेखा था ना? हाँ नहीं वो तो वो हिसाब से कि वो जमाना 40s में स्वतंत्र युग था ना हम लोग का, तो गांधी जी की वजह से सब स्त्रियों को और यंग जनरेशन को उन्होंने एक इंस्पिरेशन दिया देते थे कि अपना कल्चर अपना जो रिच कल्चर है इंडिया का उसको ऊपर लाओ और स्त्रियों को आगे आने के लिए हमेशा वो प्रेरणा देते हैं। ऑफकोर्स गुरुदेव टैगोर की वजह से गुजराती फैमिलीज में सब नृत्य संगीत का और स्टेज पर आने का एमेच्योर लेवल पर डांस ड्रामा में भाग लेने का वो तो बहुत ही हुआ टैगोर की वजह से, पूरा कला को ऊपर स्थान लाया। मैं तो पहला तो अच्छा नहीं मानते थे सोसाइटी, हाँ अच्छी सोसाइटी मैंने ओके अच्छी घराने में ये सब नृत्यों का स्थान नहीं था और फिर भी हम लोग में कैरियर कम लेते थे, भले स्टेज पर आ जाए डांस म्यूजिक डांस ड्रामा में भाग लिया मगर जीवन में उसको एक कैरियर का हिसाब से करना वो इतना कॉमन नहीं था, इतना अच्छा मानते नहीं थे। मगर पापा जी तो किसी का सुनते नहीं थे, उनको जो मानते जो करना है करते वही करते वही जीवन में किया उन्होंने और उनकी वजह से ही हम लोग चारों जन कर सकते उत्तर और नैना बहन ने शुरू किया, नैना बहन रंजन बहन वो दो बड़ी बहन है तो उनको एक रास्ता खुल गया तो हमारे लिए भी आप देखिए देखिए मैंने सुवर्णा और दर्शना हाँ तो हम दोनों के लिए भी सुविधा कि घर में सब चलता था तो साथ साथ में हम लोग भी
करने लगे। अच्छा आपका दर्शन जी, आपका जो मैनम मेनका का बारे में क्या ये है, गुरु जी भी उन्हीं का साथ कुछ साल काम किया है। मैडम मेनका तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। ऐसे कभी मिला है आपने? हाँ, मैं सीखी थी उनके पास। मैडम मेनका हमारी नोएडा स्कूल में सिखाती थी। वाह। तो मैं छोटी थी तभी उनके पास थोड़ा थक सीखा स्कूल में सिखाती थी। नोएडा स्कूल में तभी थोड़ा सीखा था। मगर गुरु जी तो उनके बारे में बहुत ही बोलते थे, क्योंकि उनका पूरा एजुकेशन मैडम मेनका का फॉरेन का था। हाँ, लंदन में के कहाँ वो पढ़ी थी, कर्नल सुखे के साथ फिर शादी किया था। मगर पहले से ही एक उनका फॉरेन का एजुकेशन होने से उनको स्कॉलर मैंने उनका वहाँ खंडाला में खंडाला ग्रुप था ना, वहाँ गुरु जी थे। बहुत कम उम्र में वहाँ गए तो वहाँ उनको बहुत ही अनुभव मिला। चारों स्टाइल के गुरु लोग थे वहाँ, कथकली, कथक, भरतनाट्यम और वो मणिपुरी थे। तो दूसरे सब गुरु बड़े उम्र के थे, वो तो छोटे थे, मगर उनको काफ़ी जानना मिला। वो लोग के साथ काफ़ी टूर किया, इंडिया में भी बहुत टूर की उन्होंने गुरु जी ने मैडम मेनका के साथ, और यूरोप में भी टूर किया। तो उनका एक फ़ायदा क्या हुआ कि मैडम मेनका की लाइब्रेरी थी और वो मानती थी कि उनको गुरु जी को प्रेरणा मिली मैडम मेनका से कि शास्त्र पुराने जो अपने शास्त्र है एंशियंट इंडियन टेक्स ऑन डांस एंड म्यूजिक, तो उसका अभ्यास उसमें दिलचस्पी उनकी वजह से उसमें नहीं तो कहाँ पढ़ा था। गुरु जी तो चार किताब पढ़ा स्कूल में, वो तो बहुत गया ना, चार फोर्थ स्टैंडर्ड में था तो बहुत गए, घर छोड़ कर चले गए। तो वो बहुत ही कम उम्र में मैंने 1938 में वो मैडम मेनका के ग्रुप में गए वहाँ, और 43 में उनका 25 साल का उम्र था तभी बम्बई आए। 1943 हम लोग के साथ जब उनका जान पहचान मिलना हुआ तो 43 में। तो ये मणिपुरी नृत्य में उदय शंकर का भी थोड़ा सा हाथ है बोलता है, तो उदय शंकर सचमुच है क्या मणिपुरी नृत्य में? उदय शंकर ने सब क्लासिकल डांस स्टाइल्स में से प्रेरणा लेकर अपनी क्रिएटिव स्टाइल बनाई। क्रिएटिव तो उसका अमुक ग्रेस है वो ऐसा, वो तो बहुत क्रिएटिव आदमी था उदय शंकर। तो अमला तो बहुत अच्छा मणिपुरी करती थी। वो फिर वहाँ अमला उसका लड़की है क्या ना? औरत है अमला शंकर। तो वो तो अलमरा में अमूमी थे, गुरु अमूमी को रखा था। अमून कर अमूबी से हाँ, तो उसके पास अमला सीखती थी। और उदय शंकर ने गुरु अमूमी को रखा था। उनसे भी कथक कोई होंगे ख्याल नहीं है, मगर उनके स्टाइल में सब क्लासिकल स्टाइल्स में। आपको भी मिले है क्या उदय शंकर? हाँ, बहुत मिले हैं। वो जब बीमार थे कलकत्ता में तो कभी मैं खास मिलने गई थी वहाँ डाकुरिया में, वो रहते थे और वो बहुत बीमार थे, पैसा नहीं था, बहुत तकलीफ में थे, तो मैं खास मिलने गई थी। मिली उसे? हाँ, मैंने उनका डांस बॉम्बे में देखा, वो शेडो था बॉम्बे में देखे आप? हाँ, तभी मैंने देखा था। और फिर तो क्योंकि हमको एक कॉमन पहचान वो थी, वो सत्यन चैटर्जी करके, सत्यन चैटर्जी वो उदय शंकर के इम्प्रेसारियो थे, उनका ही सब अरेंज करते थे। तो वो हम लोग का भी, गुरु जी का, हम लोग का मणिपुरी नर्तनालय हमारे साथ बहुत ही अच्छा था सत्यन चैटर्जी का। तो उनकी वजह से हम
यू आर गोइंग? अच्छा अच्छा चलो की वजह से हमको उदय शंकर के साथ जान पहचान मिला है। वो भी सुंदर था वरना देखने में बहुत सुंदर था ना। मैं तो